कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। मंगलवार को अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधन। केंद्र सरकार ने बैन किए 14 मैसेंजर ऐप, मैसेज भेजने के लिए आतंकी कर रहे थे इस्तेमाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चलाए चुनावी रण में शब्द बाण, कहा अपराधियों को संरक्षण देना रहा है सपा का चरित्र। पहलवानों को मिला तमिलनाडु सीएम का साथ, एमके स्टालिन ने कहा हम न्याय के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से ठंडा हुआ मौसम, तापमान में दर्ज हुई भारी गिरावट। मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम योगी भी अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर, प्रतापगढ़ और मुरादाबाद जैसे जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार किया है। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में हो रहे चौतरफा विकास के बारे में जनता को बताया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। रंगबारी में फिरोती अब यूपी नहीं है, किसी की बकौती है। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बहुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जमाने का बात कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश इनकी बकौती नहीं है, उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की बकौती है। ये जो चाहेगी वही होगा। अकेले जौनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 20,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा गया, सबको दिया गया। पटरी व्यवसायियों में 11,499 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा गया। 15,161 नासिक महिलाओं को, 11,306 दिव्यांगजनों को, 22,242 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आपके जौनपुर जनपद में दिया जा रहा है। के बारे में कहा जाता था कि सौ पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, यानी अगर कोई 100 पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था। लेकिन ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया, एटीएल बंद कर दिया, आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने। निकाय चुनाव का दिन करीब है और पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रृंगार नगर से मेट्रो से यात्रा कर प्रचार प्रसार की शुरुआत की है। वहीं इसी के साथ मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद रही। इसी के साथ अखिलेश ने रिवर फ्रंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। रिवर फ्रंट गोमती जैसा वर्णा नदी के लिए बनाया था और वर्णा नदी भी बनारस में बहती साफ सुथरी, कोई भी नाला उसके अंदर नहीं जाता। उसका भी काम अगर रोका है तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेट्रो का काम डीपीआर समाजवादियों ने बनाया था वाराणसी के लिए, उस वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर मेट्रो किसी ने रोकी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोकी है, क्योंकि वो अपने यहाँ नहीं बनाना चाहते। गोरखपुर में गया था और मैं अभी भी कहता हूँ, आप साथी रहोगे गवाह, इस बार जब बारिश होगी तो लोग मेट्रो पे नहीं चलेंगे, लोग मेट्रो की जगह नाव में अपनी गलियों से निकलेंगे। रिवर फ्रंट गोमती जैसा वर्णा नदी के लिए बनाया था और वर्णा नदी भी बनारस में बहती साफ सुथरी,
कोई भी नाला उसके अंदर नहीं जाता। उसका भी काम अगर रोका है तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेट्रो का काम डीपीआर समाजवादियों ने बनाया था वाराणसी के लिए, उस वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर मेट्रो किसी ने रोकी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोकी है, क्योंकि वो अपने यहां नहीं बनाना चाहते गोरखपुर। गोरखपुर में गया था और मैं अभी भी कहता हूं, आप साथी रहोगे गवाह, इस बार जब बारिश होगी तो लोग मेट्रो पे नहीं चलेंगे, लोग मेट्रो की जगह नाव में अपनी गलियों से निकलेंगे। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में लचर व्यवस्था के चलते तेज बारिश में बोरियों में पैक किया हुआ अनाज बुरी तरीके से भीग गया है। वहीं लापरवाही का आलम ऐसा है कि मौसम विभाग ने पहले ही बरसात की चेतावनी तक दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद अनाज को बचाने के लिए पॉलिथीन या किसी भी तरीके से तिरपाल तक का इंतजाम नहीं किया गया था। वहीं आढ़तियों का कहना है कि इस बारिश में भीगे अनाज का नुकसान व्यापारियों को ही होगा, और उनका यह भी कहना था कि अभी तक मंडियों में 40% अनाज का उठान हुआ है, जबकि 60% अनाज पिछले 15 दिन से मंडियों में पड़ा है जिसकी लिफ्टिंग तक नहीं हो सकी है, जिसके लिए धीरे धीरे सरकार और मंडी ही प्रशासन जिम्मेदार है। जिससे कि पानी और ज्यादा कॉलोनियों का आके मंडी में रुका हुआ है। देखा गया बोरियों पे जो तिरपाल रखने की सुविधा है वो भी सुविधा नहीं देखने को मिली है। देखिए जो तिरपाल लगाए हुए थे, एक बार बारिश से पहले तेज हवा आई जिससे उड़ गए थे और फिर उन्होंने ढक दिए हैं, और जो जिनका कुछ भी भीगा है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं आढ़ती की होती है, ना कि किसी और की। कितना समय लगेगा फिर ये भीग गया है गेहूं, कहीं ना कहीं दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी आढ़ती को भी, किसान को भी? नहीं नहीं, किसान का इसमें कुछ नहीं है, किसान का इसमें कोई भी कुछ भी नहीं होता। कुछ भी जो भी जिम्मेवारी है वो आढ़ती की होती है, वो आढ़ती को देखना है कि उसके द्वारा जो सरकार का गेहूं खरीदा गया है वो ये माल 72 घंटे में उठाना था, जो कि आज करीब करीब मैं समझता हूँ 12 से 15 दिन हो गए और सरकार ने अपना माल आज तक नहीं उठाया। अब तक मैं समझता हूँ जितनी भी खरीद हुई है 40% माल उठा है, 60% माल मंडियों में पड़ा हुआ है, और जो कि व्यापारी को नुकसान हो रहा है, किसान को नहीं, इसमें व्यापारी को नुकसान हो रहा है। जो माल ये भीज रहा है, जो बारिश आ रही है उससे किसानों को नुकसान नहीं, ये व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इसका खामियाजा व्यापारी को भुगतना पड़ेगा जो माल खराब होगा, और कहीं ना कहीं इसमें किसान भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो पेमेंट है किसान की। शाहजहांपुर में भाजपा कार्यालय का यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। साथ ही इस मौके पर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से पार्टी के सभी लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सकेंगी। इस मौके पर डीपीएस राठौर ने बताया कि कार्यालय खुलने से यहां से सभी पार्षदों को चुनाव सामग्री भी मिल जाएगी। वहीं सुजीत पाठक ने बताया कि इस कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा किया गया है। उस मौके पर अर्चना वर्मा, राजेश शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा सहित बड़ी संख्या में तमाम लोग भी मौजूद रहे। हमारे मेयर के प्रत्याशी अर्चना वर्मा का चुनाव कार्यालय खुला। इस चुनाव कार्यालय से सारी गतिविधियां पूरे जिले में संचालित होगी। किसी को कोई हमारे पार्षद के प्रत्याशी को या किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी सामग्री चाहिए होगी या कोई सूचना देगी देनी होगी वो यहाँ आकर सूचना दे सकता है, सामग्री ले सकता है। और अब यहाँ पे हम एक मीटिंग सुबह एक शाम को अपनी कोर कमेटी की जो संचालन समिति है उसकी मीटिंग किया करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ से संचालित होगी। एक केंद्र बिंदु है हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र का, जो यहाँ पे जेल रोड है, जेल से मेन रोड है, पुराना जिला स्थान बेनी चौकी पास वो बनाया गया। रायबरेली में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। सीओ सिटी वंदना मिश्रा के नेतृत्व में बीएफएस की एक टुकड़ी ने शहर के विभिन्न मोहल्लों जैसे किला बाजार, कहारों का अड्डा, सराफा बाजार, सुपरमार्केट सहित दर्जनों मोहल्ले में फ्लैग मार्च किया है। वही पुलिस प्रशासन के स्पष्ट निर्देश है कि निकाय चुनाव में अराजक तत्वों के साथ सख्ती से भी निपटा जाए। इसी के मद्देनजर आज शहर के विभिन्न मोहल्लों सहित लगभग 5 किलोमीटर तकदीर से प्रीतिपुरी के साथ सीओ सिटी ने फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने और अराजक तत्वों से निपटने का सख्त संदेश दिया है।
खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग का शव खेत में पड़ा मिला है। वहीं परिजनों ने बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई है। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का है। वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि परिजनों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अब पूछताछ भी शुरू कर दी है। किसी पे शंका है क्या? यूपी में निकाय चुनाव का शोर है, जिसके प्रचार प्रसार में हर पार्टी के नेता इस बीच लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच कुशीनगर जनपद के हाटा के एक मैरिज हॉल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए तीखा प्रहार किया है। साथ ही सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से भाजपा के उम्मीदवार को वोट करने की भी अपील की है। इस दौरान प्रतीक बरनवाल, हाटा विधायक मोहन वर्मा, अभय प्रताप सिंह समेत हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित रही। अभी इससे पहले कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया आपकी नजर में कि जो हाटा नगर पालिका में नहीं हुआ, अब आप करेंगे? हाटा नगर पालिका में जो भी अधूरे काम है, जैसे रोड कहीं कहीं छूट गए हैं, बिजली की जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश कर। अच्छा, पिछले 5 साल और फिर इधर विधायक भी आपकी पार्टी के हैं, चेयरमैन भी आपकी ही पार्टी के थे, तो क्या मान रहे कहाँ से विकास पीछे रह गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास कार्य कहीं अधूरा नहीं है? माननीय विधायक जी ने अपने अध्यक्ष पद में भी काफी संघर्ष किया और मेहनत की है। मैं यहाँ की जनता के प्रति कृतज्ञ हूँ, वह मेरा भी मान सम्मान बढ़ाती है और कमल खिलाती है, और डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके यहाँ हमारे हाटा नगर पालिका सहित जनपद में नगर के सर्वांगीण विकास के लिए साथ में यही निवेदन करके अपने बड़े धन्यवाद। अभी देखिए उनके बयान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बयान का महत्व समाप्त नहीं है। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शाहबाद पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है तब से यूपी में विकास हो रहा है। अखिलेश यादव को फ्रस्ट्रेशन में बताते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अब भगदड़ मच चुकी है। लेकिन आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है और जनता के आशीर्वाद से 2014 से लगातार हम लोग विजय यात्रा पर हैं और 2023 के इस चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। 2023 का नगर निकाय और 2024 का लोकसभा भाजपा का कमल खिलेगा। देखिए, उनकी जो भी भाषा होती है और जिनके लिए होती है उसका जवाब हमें देने की आवश्यकता नहीं है। मुकदमा जनता की अदालत में है, जिस दिन फैसला आएगा उस दिन उन्हें पता चल जाएगा। बाराबंकी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पूरा मामला थाना मसौली क्षेत्र के नेवला का है, जहां एक बाइक सवार अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद युवक को पास के ही लोगों ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलंदशहर के अनूप शहर के नेहरूगंज वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी शीला शर्मा ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जो कि अनूप शहर में भाजपा के प्रत्याशी ब्रिजेश शर्मा की उपस्थिति में कराया गया और जनता से पार्षद शीला शर्मा ने अपने लिए वोट देकर विजय बनाने की भी इस दौरान अपील की है। साथ ही ब्रिजेश शर्मा को वोट देने की भी अपील की गई है।
खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर नगर में भाजपा नगर निकाय प्रत्याशी ने जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है और नगर में सैकड़ों लोगों के साथ जुलूस निकाला है, जिसके चलते बाजारों में कई घंटों तक जाम की स्थिति भी बनी रही, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह स्थानीय पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। तो बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी ने जमकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। इस दौरान सैकड़ों लोगों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए और जुलूस भी निकाला गया, जिसके कारण घंटों पर सड़कें जो है वो बाधित रही और यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो